check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं माय टॉपिक द स्टोरी विद द बॉय ऑन द टॉपिक। Hi guys, it's Bulkit. Welcome to my show, जिसका नाम है My Topicless Jeopardy. So guys, thank you so much listening to my earlier episodes. बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा thank you. And so आज हम आ गए हैं एक interview format की तरफ. Yes, आज मैं solo talk नहीं करूँगा. आज मैं एक interview format करूँगा. तो आज जो मेरे साथ guest हैं, वो हैं बहुत ही amazing person. बिकॉज मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ, प्लस शी इज ऑल्सो अ फाइटर, अ वुमेन फाइटर, एंड जो दुनिया को बहुत एजुकेट कर रही हैं अपनी एजुकेशन से. एंड आई थिंक यहाँ पे बहुत सारी वुमेन्स होंगी जो बहुत अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टी फेस कर रही होंगी. आई थिंक शी इज द वन एग्जाम्पल जिन्हें देख के बहुत लोगों को बहुत सारा मोटिवेशन मिलती होगी कि यस, अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू जैस्मिना खन्ना. जैस्मिना खन्ना मैं इनको जानता हूँ. ये इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा. जैस्मिना एक एक व्हीलचेयर यूजर है. शी इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी. यस, जस्ट लाइक मी, वो एक सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी से ग्रसित है. She has done her studies from the एक special school से इन्होंने अपनी education complete कर लिया. प्लस इन्होंने अपना complete किया college किया, तो वहाँ से ये इन्होंने किया है सेंट जेवियर से. तो यस, तो आज हम introduce हम कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले जैस्मिना खन्ना से. तो जैस्मिना, how are you? Hi, Pulkit. I'm very good. And thank you for the wonderful introduction. मुझे लग रहा है बहुत कम है अभी और इंट्रोडक्शन की जरूरत थी. बट हाँ, मैं इतना और बता देना चाहता हूँ कि जैस्मिना एक एनजीओ भी चलाती है जिसका नाम है एक्सेस टू होप. ये बहुत ही ब्रिलियंट काम कर रहे हैं. हम उसके बारे में बात करेंगे आगे भी. अभी के लिए हम जैस्मिना से बात करते हैं. तो जैस्मिना, कैसा दिन जा रहा है आज का आपका? बहुत अच्छा. और टॉपिक लेफ्ट टॉपिक पे आने के लिए एक इट्स एन ऑनर टू कम ऑन द टॉपिक लेफ्ट. सेम है जैस्मिना. सो जैस्मिना, एज यू हर्ड माय इंटरव्यू अर्लियर आल्सो, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं अगर आप इजाजत दें? श्योर, प्लीज गो अहेड. ओके, सो जैस्मिना, मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूँ. जैस्मिना, पहली बात तो ये, आप कैसी हैं? मैं हमेशा खुश रहती हूँ. I'm always positive in life. Whatever may the circumstances be, I'm always positive. Nice, very nice. अच्छा जैस्मिना, मैं आपसे पूछना चाह रहा था इसी क्वेश्चन में कि आप हार जाते हो है ना अपनी नेचर को. आप बहुत सारे लोग आपको बड़ी वियर्ड नजरों से देखते होंगे है ना. क्या देख लिया हमने, कौन है ये, बड़ी अजीब सी दिख रही है, कौन है ये, मतलब कभी कभार ऐसी नजरें दिख होती है कि वियर्ड सी. आप उसे नॉर्मलाइज कैसे करते हो कंफर्टेबल हो बस तुमको होने की जरूरत है? हाउ डू यू डू दैट? अपने इंडिया में सोसाइटी है देखे दे आर नॉट अवेयर ऑफ डिसेबिलिटी. अपने इंडिया में सोसाइटी के मैंने डिसेबिलिटी के बारे में मैंने बहुत कम है. मतलब इवन एट द इवन इन अर्बन एरिया, रूरल एरिया में तो और भी कम है, अर्बन एरिया में और भी कम है. तो सिंस आई हैव गॉट द डिसेबिलिटी सिंस माय बर्थ, मैंने काफी कुछ इग्नोर करना सीख लिया है. इग्नोर करना ही बेस्ट होता है क्योंकि और I'm fighting in a different way. Instead of fighting directly with them, I'm fighting it in a different way. So that
we can make India an inclusive country. You know, it is very, very important to create awareness, to shake the government and और बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कर सकते हैं और करना भी है. ओके सो गाइस, मैं आपको और एक और इन्फो दे दूं. अभी रिसेंटली जैस्मिना ने एक टेक टॉक एपिसोड भी किया है. आई थिंक बहुत ही अमेजिंग टेक टॉक एपिसोड था. एंड आई जस्ट आल्सो फेल कि यार एक दिन मैं भी टेक टॉक में जाऊं और ऐसे कुछ यू नो अमेजिंग स्पीच दूं. एंड आई लव्ड इट जैस्मिना, बहुत मजा आया मुझे आपकी टेक टॉक स्पीच सुन के. एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो कि एक दिन मैं भी जाऊं. लेट्स सी, होता है नहीं होता है ना. ओके तो यस, जैस्मिना सेड को बहुत सारा काम करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत एजुकेट करना है, अवेयरनेस फैलानी है. बिल्कुल अगर जैस्मिना, मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है यार, व्हाई डू यू थिंक वी नीड अवेयरनेस इन आवर कंट्री. पहला ठीक है, जहाँ ट्रीटमेंट बिल्कुल वेजिटेबल की तरह होती है हमारी, यू नो हमारी ट्रीटमेंट लोग कैसे करते हैं, जैसे यू नो पढ़े हैं तो पढ़े रहने दो, क्या जरूरत है इसको कुछ करने की, ऐसे लोगों की बहुत थिंकिंग है. एंड यू नो अपनी खुद की फैमिली जो होती है ना, फैमिली should be accepting you first as you are. You know, they should not look at our disability. They should look beyond our disability. If the family accepts us as we are, then the society will also accept us as we are. So, yeah. So, and one more thing. ये अपने आप से भी होता है. जैसे यू आर अ वेरी विल पावर पर्सन, आई एम अ वेरी विल पावर पर्सन, तो जो हम लोग खुद की विल से आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोगों को कोई 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 रोक नहीं सकता. बिल्कुल बिल्कुल, अपनी विल पावर बहुत जरूरत है, बिकॉज फैमिली भी तभी यू नो अपने बच्चे पर तभी ट्रस्ट दिखा पाती जब उनको कुछ लगे कि हाँ यार ये भी कुछ कर रहा पा रहा है, या ये भी कुछ आगे यू नो मेहनत कर रहा है. अगर नहीं करेगा तो वो भी सोचे कुछ. I have seen so many families, they don't educate their children, even if they are capable of studying. So it is a very very sad part of if a person with disability has got a mental challenge, suppose mentally challenged hai, to maybe koi na koi skill aayegi, koi na koi kshamta aayegi. You can develop that skill, you can develop that you can educate that person with mental challenge in such a way that he can stand on his feet, you know. Absolutely. Yes. So basically, basic mantra यही है कि अगर एक you know mentally challenged अगर कोई बच्चा है, अगर उसमें भी कोई ना कोई एक गुंजाइश होती है कि वो अपनी you know अपने talent से अपने skills से adult, disabled person as an adult. We are not children. We are not children. Mostly, हम लोग बाहर जाते हैं ना. Maybe you also might have noticed that mostly हम लोगों को बच्चा ही बुलाते हैं. क्यों हम? हाँ क्यों हम लोग बड़े नहीं हैं? Yeah, we are adults. We are the same thinking. We have the same feeling. We have the same emotions. Absolutely. We can decide for ourselves.
no one can decide for us. Us, बिल्कुल 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 हम भी adults हैं यार. We are adults, you know. So if you have to accept us, accept us fully. Yeah, if you like वही अगर public जब तक accept नहीं करेगी तब तक you know पहले अपने आप को accept करना जरूरी है तभी accept. या पड़ा हुआ है बेड पे तो इसका मतलब इसकी क्या कर पाएगी वो सिंपथी वो बेचारगी उनकी नजरों में आ जाती है. Rather than showing sympathy to a person with disability, encourage them, empathize with them, encourage them to be part of the society, encourage them to contribute towards the society. Absolutely. Do not correct them by saying, ये क्या कर सकता है या ये क्या कर सकती है. एक और क्वेश्चन था मेरा कि ऐसा यू नो लाइक आपने भी मुझे बताया था अभी थोड़ी देर पहले और आप काफी मैंने डिस्कस भी कर रही थी. यू आर गोइंग टू बी एन यू नो लाइक आप फ्यूचर में आप सोच रहे हैं कि आप अपनी बुक लिखना चाहते हैं है ना. Yes. एंड आप अपने आप एक रेनाउंड ऑथर की तरह देखती हैं अभी से ही. एंड सो व्हाट यू लाइक क्या कहना चाहेंगे आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी बुक के बारे में. तो माय फर्स्ट बुक विल बी ऑन एक्सेप्टेंस माइंडसेट एंड मिथ्स ऑफ डिसेबिलिटी. यू नो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस and change the mindset of the people. So my target audience is not just going to be professionals in disability sector or persons with disability, but my target audience is going to be the entire society. We need to create awareness through my book. I am going to create awareness about acceptance. How to accept a person with disability, how to change the mindset and talk a little bit about the myths. You know, the false myths which we have with the society has about disability. बहुत गहरा topic है जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं लिखा. सो दैट्स द रीजन आई थॉट आई विल राइट ऑन दिस. एंड जैस्मिन बिलीव मी अगर एक्सेप्टेंस होगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं बीइंग यू नो डिसेबल्ड जो लोगों को पसंद नहीं है वर्ड जो लोग कहते हैं अपने आप को स्पेशली एबल्ड कहो डिफरेंटली एबल्ड कहो दिव्यांग कहो है ना. जब तक एक्सेप्टेंस आप नहीं कहेंगे इन वर्ड्स का भी कोई मतलब नहीं. आप ये वर्ड्स यूज ही नहीं करेंगे आप हमें इक्वली ट्रीट करेंगे जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे. आई थिंक ये मेरा मानना है. क्या क्या कहते हो जैस्मिन. बिल्कुल सही 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 बोला आपने. जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक हम लोग एज यू सेड वी विल बी ट्रीटेड एज एज वेजिटेबल एंड We will not make it treated as मैं तो बोलती हूँ हम लोगों को कचरे की तरह ट्रीट करते हैं लोग. You know we are treated like shit. You know that's very harsh truth. Yes, you know that's very harsh. Nobody wants to spoken language, but you need the best to talk in that language to the society. Unless we don't talk like this to the society, they will not understand. Absolutely. What we are meaning to say.
बहुत सच्चाइयां निकाली जा सुना आपने, बहुत बताई हैं आपने, निकाल निकाल के सामने रखी है। एंड सोसाइटी का भी एक पार्ट है, एक डार्क पार्ट है जो शायद हम सब फेस करते हैं। तो आई होप आपकी बुक में ऐसी काफी सच हमें जानने को मिले जो आपने फेस किए हैं पर्सनल, जो आप लोगों को देखती हैं फेस होता हुआ। खैर आप वहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी किताब में उसको यू नो मेंशन करें। एंड ऑल द बेस्ट टू यू, है ना, मैं आपको कहना चाहूंगा यहीं से। एंड मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर बुक एंड आई विल बी द फर्स्ट वन टू बाय योर बुक फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जासमिना आपके लिए। जासमिना आप एक एनजीओ भी चलाती हैं, एक्सेस ऑफ होप, है ना, जो संकेत हैं आपके साथ, ही इज आल्सो फिजियोथेरेपिस्ट एंड वो आपके साथ ये एनजीओ चलाते हैं। आप जॉब भी करती हैं, संकेत जॉब करते हैं, है ना, यू बोथ आर ऑलराउंडर, पूरे ऑलराउंडर हो, मतलब काम भी करते हो और आप एनजीओ भी चलाते हो यार, लाइक आप मैनेज कैसे करते हो? एंड प्लीज टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंसेस विद एनजीओस। आपने क्या ऐसा एक्सपीरियंस किया? आपके कुछ ऐसे अचीवमेंट्स भी होंगे। बल्कि इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, आपके अंदर इच्छा होगी तो आप कैसे भी टाइम निकालोगे, कैसे भी करोगे, कैसे भी मैनेज करोगे। एंड वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ अगर आपके मन में बहुत इच्छा है तो यूनिवर्स भी आपका साथ देता है। आई एम बीन वेरी लकी, आई एम बीन वेरी वेरी लकी दैट सिंस द टाइम आई एम स्टार्टेड माय एनजीओ, आफ्टर द कोविड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फ्रॉम होम। अगर आप ठान लेते हो कि मैंने ये करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप खुद भी नहीं रोक सकते, खुद के पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि अभी मैं नहीं कर पाती, नहीं करूंगी। यू नो दैट एन एक्सक्यूज योरसेल्फ, यू नो, सो इट इज ऑल अपॉन यू, इट्स ऑल अपॉन यू हाउ यू how you settle your mindset. Set your mindset means अपने दिमाग में कैसे setting करते हो कि अभी ये करना है, इसके बाद ये करना है, इस आज मैं ये करूँगी, कल मैं वो करूँगी। Yeah, this is the way you move on. You know, you have to do proper planning. You know. अगर प्लानिंग के साथ जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इज बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव, यू नो, जितना भी है आपके पास उसके लिए ग्रेटिट्यूड हमेशा ग्रेटिट्यूड करना, मतलब ग्रेटफुल रहना चाहिए। द मोर यू आर ग्रेटफुल the more opportunity you get to do things in life. Nice. आपके कुछ NGOs के साथ कुछ achievement आप उनके बारे में बताना चाहें? Since I'm based out of Mumbai, तो हमारे मुंबई की municipal corporation के साथ काफी कुछ काम किया है। And we created around 5 kilometers of footpath that is fully accessible till now. And wow. We recently Mumbai ki municipal corporation ke liye accessibility
फुटपाथ एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन फॉर्मुलेट किए पॉलिसी ये फॉर्मुलेटेड पॉलिसी यूनिवर्सल फुटपाथ पॉलिसी फॉर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. Very nice. It has been approved by the Municipal Commissioner of Mumbai just last week only, and now we have a policy in place which is based on the harmonized guidelines under the Swachh Bharat Abhiyan policy. जो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था एक्सेसिबिलिटी इंडिया कैंपेन 2016 में, उसके बेसिस पे हमने एक पॉलिसी ड्राफ्ट करी है. वेरी नाइस. वाओ, इतना कुछ आपने किया जासमिना विद योर विल पावर विद योर अड़ियल रवैया, है ना, क्योंकि ये उसके बिना हो ना पाता. I know how much you struggle for this and I know how much you fought for this and hearts up to you because इतना कोई नहीं सोचता जासमिन, इतना कोई भी नहीं सोचता, because वो एक वाक्य बहुत सत्य है, जिस तरह लागे बहुत समझाने और कौन जाने की ऊपर है, because आप वो फील करते हो तो आप वो समझते हो लोगों का पेन, अदरवाइज किसको क्या पड़ी होगी किसी का पेन. अब तो ऐसा हो गया कि मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिस में जाती हूँ ना, तो मतलब दे नो एवरीबॉडी नोज मी ओवर देयर, एवरीबॉडी नोज ये जासमिना खन्ना है, ये आती है, ये लड़ती है हमसे. वो अभी मैं किसी भी ऑफिशियल को कॉल करती हूँ मतलब थोड़ा मीन निकाल अप देयर एटीट्यूड, यू नो ले बैक एटीट्यूड, मतलब वो अगर सही से काम करेंगे ना तो फिर डरने की क्या बात है. बिल्कुल बिल्कुल. पर लेकिन अभी मैं उनको कॉल करती हूँ तो वो उनको समझ जाता है कि अभी हमारी खैर नहीं. चलो बहुत बढ़िया. ओके जासमिना, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द सोसाइटी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. मेरे हिसाब से इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ यू आर कॉल ऑन इट, बी फ्रॉम यू विल अचीव द गोल. Every, as I have said time and again, every decision you try it, unless you decide to try something, you will not have accomplished it. You know, kya accomplish karne ke liye aapko matlab first step to lena hi padega. If you don't take the first step, how will you reach your goal? To reach your goal, that first step is very, very important. Yes. Okay, so pehla step lena padega to reach your goal and work hard and you will be there for sure. ओके, सो ये था गाइस मेरा आज का पॉडकास्ट. सो लेट मी आस्क जासमिना, कैसा लगा आपको मेरे पॉडकास्ट पे आके, हाउ यू फेल्ट? बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज अ प्लेजर टू बी ऑन टॉपिक. लेट्स डबली सेम हियर. आई वाज वांटिंग टू कम सिंस अ लॉन्ग टाइम बट आई नेवर सेड इट, बट आई वांटेड you to come and say invite me, and so thank you for inviting me. Same here Jasmina, same here. It was a pleasure to, you know, to have a conversation with you. Thank you so much for coming, and in future jab aapki book launch hoye to please let us know and I'll invite you again. My target is 2023 international disability.
ओह नाइस सो गुड तो मतलब दिसंबर में आ रही है सबको मैं अभी से बता देता हूं है ना यस इफ आई एम इट इज कंप्लीट इफ आई यू इट्स वेरी गुड ओह लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड यू नो आई एम प्रेइंग टू गॉड कि आपको टाइम मिले और आप ये बुक लेकर आए जल्दी से चलो थैंक यू जस्मिन थैंक यू फॉर कमिंग एंड यस गाइस सो ये था मेरा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा एंड आई होप आपको बहुत सारी यहां पे यू नो सीखने को मिला होगा जस्मिन से और बहुत अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी तो गाइस तो फिर आज के लिए इतना ही तो मैं हमेशा कहता हूँ जाते जाते क्या बोलता हूँ मैं ये कहता हूँ ध्यान रखना एंड दुआ में रखना बाय टेक केयर थैंक यू कुलकर्णी थैंक यू जस्मिन थैंक यू